गंगा हमारा पत्नी है, हमारा बाऊजी ने गंगा से हमारा शादी करवाया था। क्योंकि मेरी गंगा है। एक बार और अगर अपनी जबान से हमारा गंगा का नाम दिया ना तो गोली मार देंगे हम तुम्हें। नहीं सर, हम सिर्फ शिव की पत्नी है और किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गंगा के बिना मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, जिंदगी को खत्म ही कर देता हूँ। अरे कोई रोको इसे, अरे धतूरा वाले दूसरे। मेरा प्यार पागलपन से ही छूटा नहीं है। ये गंगा, ये इम्तिहान भी दे दिया मैंने। कुशल जी, जी इसको अंदर लेकर जाइए और डॉक्टर को बुलवाइए, इसका इलाज करवाना होगा। लेकर जाइए। सिप बेटा, ये तो जहर पी गया। अगर मर मरा गया तो उसका दोस्त तुम्हारे मत्थे मरेगा और हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा का हाथ खून धरेंगे। सिप बेटा, माना कि गंगा से तुम्हारा शादी हुआ है, लेकिन कोई ऐसे ही तो जहर नहीं पी लेगा ना। कोई बात तो जरूर होगा, हो सकता है हमको कोई धोखा हो गया हो। हमको पता करना पड़ेगा कि ये जो कह रहा है कितना सच है कितना झूठ। कहाँ जा रहे हो सिर्फ? सवालों के जवाब ढूंढने। डॉक्टर साहब, ये बच तो जाएगा ना? माँ जी, अभी कुछ कहना मुश्किल है, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। हे भगवान, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। कड़वा लगेगा, सांस रोकिए और एक ही घूंट में पूरा पी जाइए। बस 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 बस, ये देखिए। तस्वीर में गंगा का कर रही है। अरे मैं अपनी पत्नी को अपनी कह रहा हूँ, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अपनी पत्नी को अपना कहना गलत नहीं है, लेकिन किसी और का पत्नी को अपना कहना अपराध है। कान खोल कर सुन लो, गंगा हमारा पत्नी है। ये फैसला कौन करेगा कि कौन सही है और कौन गलत है? गंगा किसकी पत्नी है? शिव की, सागर की? गंगा, ये इम्तिहान भी दे दिया मैंने। पता नहीं, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि क्या कोई अपना बहुत अपना या कोई आसपास है। ये फोटो मेरी गंगा की है। गंगा मेरी पत्नी। एक मिनट, मेरी गंगा की फोटो को हाथ मत लगाइएगा वरना अच्छा नहीं होगा। तुम क्या लगते हो हमारे? कोई रिश्ता नहीं हमारा तुमसे, और अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं क्यों नहीं महसूस कर पाते? सपना नहीं था, जैसे सचमुच हमारे साथ मौसम हो रहे हैं। हम पानी में डूब रहे थे, हमारा दम घुट रहा था। माना कि गंगा से तुम्हारा शादी हुआ है, लेकिन कोई ऐसे ही तो जहर नहीं पी लेगा ना। कोई बात तो जरूर होगा,
बस एक दो दिन का बात है, फिर इतरा इधर उधर मुंह छिपाए हुए भटकना नहीं पड़ेगा तुमको। ई गांव का मठाधीश बनते ही सीना तान कर चलेगा हमारा प्रताप। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा माँ। ना जाने कितने दिनों बाद ऐसा खाना खा रहे हैं, लेकिन इतना सब क्यों बना? कुछ त्योहार है का? त्योहार ही समझ लो बेटा। बस एक दो दिन में सिप से मठाधीश का पदवी छिन जाएगा और फिर सब कुछ हमरा हो जाएगा। इससे बड़ा ना होली है और ना दिवाली। वो फोटो का कांड पूरे गांव के सामने हो गया है। बस अब साबित हो जाए कि मठाधीश जी किसी और का पत्नी के साथ अब तक रह रहे थे, तो फिर पूरा का पूरा गांव मठाधीश के विरोध में जाएगा। ऐसा अधर्मी और पापी मठाधीश को कौन स्वीकार करेगा? फिर सिर्फ को घर तो छोड़ो, गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। और तो और, वो जो लड़का है ना सागर, डॉक्टर कह रहा था क्योंकि बचने का उम्मीद बहुत कम है, वो अगर मर मरा गया ना, उनको मारने का इल्जाम भी सिप के ही सर मढ़ेगा। फिर तो सिप जेल चला जाएगा, समझ लो। अरे ये क्या कर रहे हो? वाह माँ वाह, रात दिमाग दौड़ाया है, मजा आ गया। अरे उठो। मजा आ गया माँ। बस बेटा बस, अब हमारा जीवन बदल जाएगा। बस जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाओ। हरमती दीदी, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? वो मेहमान जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है? क्यों उसने अपनी जान खतरे में डाल ली? हम तो इतना ही जानते हैं कि शिव हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतनी बेचैनी से क्यों हो रही है? हर बार अजीब सी बातें याद आ रही है। हमारी आंखों के सामने अनजाने से तुलने से चेहरे घूम रहे, जिसका हमारी आज की जिंदगी में कोई नाता नहीं है। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पार्वती दीदी? क्या करें हम? क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं कहाँ होंगे वो। हे भगवान, शिव की रक्षा करना, मैं बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा जो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन इनकी हालत अभी भी नाजुक है, इन्हें आराम और देखभाल की सख्त जरूरत है, जरा ध्यान देना। तुम्हारे कारण और काका देखना पड़ेगा हमको गंगा। लड़का कह दिया कि तुम का पत्नी हो, ये बदवा सुनकर सिर्फ पता नहीं घर छोड़कर कहां चला गया, और ये लड़का को देखने तुम का कमरे में चली गई। बड़ा चिंता है उका तुमको। माँ जी, हम ऐसी बात नहीं, हम तो बस देखने आए थे कि डॉक्टर साहब आए या नहीं। बस रह दो,
सब समझ रहे हैं। अगर हमारा परिवार को लेकर और शिव को लेकर इतना सा भी इज्जत है ना तुम्हारा दिल में, साफ साफ बताओ। हाँ, बार रिश्ता है तुम्हारा के साथ, कहीं तुम दोनों मिलकर हमारा शिव के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो ना? माँ जी, हम सच कह रहे हैं, हम इस लड़के को नहीं जानते हैं। कोई हमारी बाप पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? कि पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी। बेचैनी तो होगा ही ना तुमको गंगा, कहे की लड़का तुम्हारा पति है। बेचारी गंगा, शिव और सागर में कौन उनका पति है और कौन नहीं जानती ही नहीं। बस एक बार इकलौता वापस आ जाए और ये घर से ये हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, बला बैठ जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे कमरे में कैसे आए तुम? तुम जाओ यहाँ से। बात समझने की कोशिश कर। देख, गंगा तू मेरी पत्नी है, ठीक है? मैं सागर हूँ, तू मेरी पत्नी है गंगा। हमारी सारी बातें हैं, सारे पल याद कर गंगा। बचपन में हमारी दोस्ती हुई थी, हम खेला करते थे एक साथ, हमारे झगड़े होते थे कितने, तुम पुल के दिया फिर हमारी दोस्ती कराते थे, याद है तुझे? गंगा, कृष्णा, कृष्णा हमारी बेटी, वो तो याद होगी ना तुझे? बुढ़ाओ बाढ़ आई थी, हम तीनों नाव में थे, मैं तू कृष्णा, वो हादसा हुआ था, तो हो सकता है उसमें तेरी शायद आदर्श चली गई हो, लेकिन मेरी आदर्श नहीं गई है, मैं जानता हूँ तू मेरी पत्नी है गंगा। गंगा मेरी बात सुन, जा यहाँ से, आ जाओ। गंगा मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तू मेरी बात नहीं मान रही है। तुम प्लीज यहाँ से जाओ, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मैं, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। अरे सागर जी, क्या कर रहे हो? अरे नीचे उतार रही हूँ मैं। सागर जी, रुक जाओ। छोड़ दो बाबूजी को, नहीं तो हम लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। आप लोगों को जो करना है करिए, लेकिन मैं गंगा को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। छोड़ो, छोड़ दो हमरा बहू को। ये आपकी बहू नहीं है, ये मेरी पत्नी है, इसलिए प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। मठाधीश जी का पत्नी है, समझे? छोड़ो। ये देखो, तुम्हारा मठाधीश का पत्नी को एक पराया आदमी जबरदस्ती उठा कर लेकर जा रहा है। आप लोग का आपका सामने का आप लोग ऐसा होने देंगे? नहीं, ये पाप है, पाप है, पाप है। उतारो मैं नीचे। अच्छा बच्चा हुआ तुम आ गए। बस रुक जाइए। मत आइए हमारे पास, क्योंकि आप हमारा नहीं, आप सागर जी का धर्मपत्नी हैं। ये देखिए, और ऐसा बहुत सा फोटो है हमारे पास।
कैसे हो सकता है? ये सच है गंगा, और ये वो सच है जिसको आज तक हम झूठ समझते आए थे। सागर जी, हम आपसे वादा किए थे कि आपका धर्म पत्नी को आपसे मिलवा कर रहेंगे। बिल्ली जी, आज हम अपना वादा पूरा करते हैं। ये रहा आपका धर्म पत्नी गंगा। मतलब है कि जिस औरत के साथ तुम इतने दिन से रह रहे थे वो किसी और का ब्याहता है? तुम समझ रहे हो ना सिर्फ, इतना बड़ा पाप तुमसे कैसे हो गया? मामा, पाप तो हुआ है आपसे, अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया आपसे। हे भगवान, ऐसा अनर्थ कैसे हो गया हमारा बेटा से? बेटा, तुम तो खुद मठाधीश हो, सबके साथ न्याय करते आए हो, और अब तुमसे ही ऐसा अन्याय हो गया। ये भगवान, अब कहाँ होगा हमारा बेटा, कहाँ होगा? वही होगा जो एक अपराधी के साथ होना चाहिए। लेकिन आप अपना मन को दुखी मत करो माँ, हम जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किए। गंगा का याददाश्त चला गया था और हम ये धोखे में थे कि वो गंगा है जिससे बाऊजी हमारा शादी करवाए। ये तो हमको आज जाकर पता चला, ये तो सागर का गंगा है, हमारा नहीं। अब तो तुझे यकीन हो गया ना? तुमने सुना ना शिव ने क्या कहा? मेरी गंगा है, मेरी। ये देख, सागर की गंगा है तू।